आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दसवीं मुहर्रम का रवायती शाही जुलूस मियां साहब के पुत्र सैयद अयान अली शाह मियां साहब जूनियर की अगुवाई में सकुशल हुआ संपन्न। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फरूक अली शाह उर्फ मियां साहब ने मुतवल्ली बुद्धिजीवी ताजियदार आम लोग सहित जिला पुलिस प्रशासन का तहे दिल से किया शुक्रिया अदा। कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मीडिया से हुए रूबरू, कहा समुन्द्र में भले ही पानी अपार है परंतु सच तो यही है कि वह नदियों का उधार है। 10 अगस्त को माननीय अदालत में होंगे पेश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई जा रही है हरिशंकरी वाटिकाएं। प्रदेश के हर जिले में 15 अगस्त तक 75 हरिशंकरी वाटिका लगाने का है लक्ष्य। पर्यावरण के लिए अमृत साबित होगी हरिशंकरी। पर्यावरण संतुलन के साथ धार्मिक मान्यताओं वाले भी हैं हरिशंकरी, यानी पीपल बरगद व पाकड़ के वृक्ष। रक्षाबंधन पर्व पर सीएम योगी ने महिलाओं को 11 और 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के दिए निर्देश। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए साधारण एवं एसी सभी बसों पर महिलाओं एवं बहनों की यात्रा रहेगी निःशुल्क। भाजपा महानगर के 5 मंडलों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा हर घरों पर तिरंगा लगाने की जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई है यह तिरंगा यात्रा। दसवीं मुहर्रम के दिन से ताजियों को दफन करना शुरू किए ताजियदार। अपने अपने चौक से जुलूस की शक्ल में राप्ती नदी में दफन किए अपने अपने ताजिये। श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला द्वारा अष्टादश 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का किया गया आयोजन। कहा 13 अगस्त को 113 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। 14 अगस्त को श्रृंगार महोत्सव की निकलेगी भव्य झांकी।